नमस्कार भाइयों, हम और अभी अभी एक कॉल आया है डबोड़ा के पास आईटी गांव से, तो हम वहाँ सांप पकड़ने जा रहे हैं। ओके, हम 12 किलोमीटर दूर आईटी गांव में पहुंच रहे हैं और सांप का रेस्क्यू करने का है आईटी गांव हैं। देखते हैं कौन सा काम है, जो भी होगा इसको हम सही सलामत रेस्क्यू करेंगे। आभार, जय हिंद। आपका स्वागत है, हम केरालु से लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर अर्ठी गांव में आए हैं और इस हौज के अंदर जो लकड़े पड़े हुए हैं इसके अंदर सांप है। देखते हैं कौन सा है, खतरे वाला है या खतरे बिना का। जो भी होगा इसको हम सही सलामत पकड़ कर बाहर निकालेंगे और जंगल विस्तार में रिलीज करेंगे। अगर लाइसेंस वाली बात लाइसेंस तो मरी हो पाकू हो पता मार तो कोई रोका ही नहीं एकदम बंदो ना ना इन तो मेरा अमल भेजना पूरी दी जाता क्या क्या था मैं कूटू क्या अटला बैठू कर जाएंगे लाइसेंस तो मरे कुंभार को ये नागिन है और 3 से 3.5 फुट लंबी है और ये जहरीली नागिन होती है। अगर किसी को भी काट जाए तो इंसान की मौत हो सकती है, तो आप इस सांप से सावधान रहिए। और इसका कलर बड़ा देख लीजिए, ये बहुत जहरीली नागिन होती है। पहले भी हमने वो सामने से हमने 12 महीने पहले से एक सांप पकड़ा था और आज वही जगह पर ये हमने दूसरी नागिन पकड़ी है। और हाँ, किसी को भी सांप इस प्रकार का हो और काट जाए तो कोई जंतर मंतर में आना नहीं, सीधे हॉस्पिटल में रवाना हो जाना। हम घना भुआ पर जता रहे इसको पकड़ लिया है। अब हम इसको हम सही सलामत जंगल में सही जगह पर इसको रिलीज कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे। आभार, जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो हमारा अच्छा लगे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। अभी अभी हमने आरती गांव से शाम का नागिन का जो रेस्क्यू किया है इसको हम जंगल विस्तार में रिलीज कर रहे हैं।